मैं सोच ही रही थी कि क्या लिखूं, कुछ कोरोना में कहूं या फिर से अपनी लेफ्ट विंग की बातों को प्रमोट करूं। चलो कुछ ऐसा लिखती हूं जो मेरी और आपकी बातें बताए, हमारे अंदर का दर्द दिखलाए। बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला, एक नहीं 100 बातें जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। ये हयात की रफ्तार में कूदते ठहर जाने को बोलती है, ये हयात की रफ्तार में कूदते ठहर जाने को बोलती है। तो मिलिए जिंदगी से, कोई छोटी बातों में खुशियां खोजना है, कोई सब पाकर भी उसका मतलब सोचना है, किसी को सुंदर दिखना है तो कोई सुंदर विचार बना रहा है। कितनी अलग अलग चाहत है ना हमारी, मंजिल बिल्कुल अलग है पर सफर साथ है हमारा, मंजिल बिल्कुल अलग है पर सफर साथ है हमारा। क्या कभी सोचा तुमने, क्यों खुद के बारे में सोचे, खुद से क्यों नहीं पूछते, क्यों शाम को बिले इरिश और रात को हनुमान चालीसा सुनते हैं, क्यों अगर सब कुछ सही चल रहा है तो खुद से ही सवाल करते हैं, क्यों किसी दिन इच्छा मुक्त तो किसी दिन उलझी सी मिलती है, आखिर क्यों ये जिंदगी बस सिक्के के दो पहलू सी समझती है। सच पूछो तो जिंदगी करण जौहर की मूवी नहीं, गुलजार की शायरी है। जिंदगी करण जौहर की मूवी नहीं, गुलजार की शायरी है। दिखावी दुनिया सी नहीं, खुद से ही आ रही है। ये मंजिल पाने का रास्ता नहीं, उसे हासिल करने की साझेदारी है। जिंदगी दूसरे के कहे के लिए अपने धुन की साथ है, जिंदगी दूसरे के कहे के लिए अपने धुन के साथ है। तो क्यों ना जिंदगी इस तरह जी के देखे हम, क्यों ना हम खुद का ही सहारा बन जाए, इस मतलबी दुनिया से बेमतलब हो जाए, क्यों ना हम खुद को इस काबिल बनाए अपने सारे सपने मुकम्मल कर पाए, क्यों ना इसकी सारी बातें बस डायरी तक सीमित नहीं, इसे जिंदगी में मिला, इसे जिंदगी में मिला। सो समटाइम इट्स ओके टू बी नॉट ओके, इट्स ओके टू क्राई, टू बी मीन, एंग्री और डिप्रेस, अनलेस इन द एंड यू मेक द थिंग्स राइट, फाइंड अ न्यू योरसेल्फ एवरीडे। लव काजल, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।